राम राम जी, बम बम बोले। राम 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 जी। राम सर। राम जी। एक वो बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन बताऊँ आप लोगों को, जी गुड सर, इवनिंग सर, बिल्कुल। जब तक बाकी लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ये देखिए, आप सबके पास ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र के अंदर मैंने ये फंक्शन दे रखा है, मंथली सीडी जोन का, राइट। मंथली सीडी जोन को मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, और मंथली सीडी जोन का मतलब सबको पता है क्या होता है, कि जैसे हम वीकली सीडी जोन में एक दिन का सीडी जोन ड्रॉ करते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से हम जो मंथली सीडी जोन है उसमें भी एक वो बनाते हैं कि भाई इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप ये देखिए कि यहां से अगर शुरू करूं, मार्च, चलिए ये पूरा ही महीना देख लेते हैं, जनवरी से भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो सीडी जोन है, ये सीडी जोन तो आ जाएगा जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा, राइट। हम लोग जनवरी में क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर ना जाए और इसके नीचे ना जाए, उसके बीच में क्या होता है कि अब यहां से चला ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, बट अराउंड द मिड ऑफ द मंथ, यहाँ पे क्या है, अराउंड 15 जनवरी, जब ये टॉप अपना पा लेता है ना, तो यूजली ये टच करता है सीडी जोन के आसपास होता है, और उसके बाद मैंने हमेशा देखा है कि एक बार नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, ऑब्वियसली मार्केट है ना, तो मिड ऑफ द मंथ पे आप देखिए कि वो कहाँ पर है। मिड ऑफ द मंथ का मतलब 10 से लेके 15 तक की जो तारीख होती है, तो ये 15 को यहाँ पर है, तो यहाँ से वापस गिरना है इसने कोशिश किया, ये नीचे का हमारा लेवल था, नीचे के लेवल को टच किया, फिर वापस एंड ऑफ द मंथ में आसपास ही क्लोज करने की कोशिश करता है उस मंथ में। तो एक जो चेंज होता है मंथ के अंदर, वो भी एक तो ये है कि पूरी कोशिश करता है कि उस जोन के अंदर ही रहे। अब जैसे ये है, ये फरवरी है, फरवरी में ये देखोगे सबसे नीचे का कब लगाया है इसने, इट इज अराउंड 14th ऑफ फेब, ठीक है, दिन में कहीं भी स्टार्ट होगा, मिड में वो एक दिशा में आ जाता है। अब ये जगह, ये आइडली होना तो यहाँ पे चाहिए था सिटी जोन के आसपास, बट क्योंकि भोले बाबा का ये नाग है यहाँ पे, तो यहाँ से शेषनाग जी से वापस रिवर्स लिया, कहाँ तक गया, टॉप में गया, टॉप में कहाँ तक गया, जो हमने लक्ष्मण रेखाएं खींच रखी है इसके लिए, उसके बाद क्लोज कहाँ पे हुआ, वहीं पे बीच में आके, यहाँ से पहला और ये आखिरी, ठीक है। इसी तरीके से मार्च में क्या हुआ है, मार्च में 11 मार्च को टॉप लगा दिया उसने, फिर नीचे आया और फिर कहाँ पे क्लोज कर रहा है, ऑलमोस्ट जिस जैसे फर्स्ट कैंडल थी उसके आसपास। यहाँ पे देखोगे अप्रैल आ गया, अप्रैल में टॉप कहाँ पे लगाया, 10, 10 से 15 के बीच में ये मूवमेंट होते हैं हमेशा, 10 तारीख को टॉप लगाया और 19 तारीख को बॉटम लगाया, हमारी लाइन से नीचे निकल गया, लेकिन वापस आके कहाँ क्लोज किया, ऑलमोस्ट वहीं के आसपास, ठीक है। यहाँ पे किस दिन टॉप बॉटम किस दिन लगाया है, 13 तारीख को, उसके बाद टॉप भी लगाया, बॉटम भी लगाया और टॉप भी लगाया, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ, 31 मई को, वहीं पे ही था जहां से स्टार्ट हुआ था। तो जब मार्केट इस तरीके की होती है, इस महीने का तो खैर जून का तो खेल ही अलग था, क्योंकि 3 जून भी था और 5 जून भी था, बट अगर आप ये देखोगे कि बेशक अगर ये नीचे आया, यहां तक भी आया, लेकिन जो जोन हम लोगों ने नापी हुई है, नापी हुई है ना इसकी, उस जोन के अंदर ही ये क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अभी क्या है, अभी 21 जून है, तो हमारे पास और थोड़े से दिन बचे हुए हैं, यहाँ तक के दिन हमारे पास बचे हुए हैं, तो यहाँ तक क्या करेगा, और थोड़ा सा इसको ऊपर जाना चाहिए, इसके आसपास टच करना चाहिए, और जहां पे शुरू हुआ है वहां के आसपास ही कहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ना, ये सबका सब ट्रेडिंग एक ही उसके अंदर होता है, हमें सिर्फ आंखें चाहिए वो देखने के लिए, आंखें चाहिए और क्या बोलते हैं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं इसके ऊपर ट्रेड कर सकूं। तो ये आज का ज्ञान था, ये आज का क्या बोलते हैं, बोनस वो था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। कभी भी टॉप या बॉटम को टच करता है, इट ऑलवेज लुक्स फॉर अ रिवर्सल, कभी भी हाई पे जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, कभी भी उस तरीके से नहीं होता। कुछ महीने एक्सेप्शंस होते हैं, हमेशा नहीं हो सकते, जैसे दिसंबर था, दिसंबर तो पूरा ही बाहर रह गया, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, और ये भी ट्रेंडिंग मार्केट हो गया था यहाँ पे।
कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं अभी, क्योंकि इस महीने की बात करूं तो हालांकि मुझे लग रहा है कि यहां से ही इसने एक रिवर्सल लेना चालू कर दिया, बट अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है, क्लोज तो यहीं के आसपास इसको करना चाहिए। ये निफ्टी है और बैंक निफ्टी अभी देखिए, अगर एक ब्लू कैंडल के बाद इनडिसाइसिव कैंडल बनती है, तो जैसे ही इनडिसाइसिव नीचे की तरफ कुछ वो बनेगा तो वो गेट सेट गो की श्रेणी में आ जाएगा। अगर ये कैंडल यहाँ पे ना क्लोज होती, यहाँ पे क्लोज होती, यहाँ पे, तो अपना एक शॉर्ट बन जाता। शॉर्ट कहाँ तक आएगा, क्योंकि 4 या 5 दिन बचे हैं महीने के, तो शेषनाग जी तक तो आने की पूरी पूरी संभावना है इसकी। इस तरीके से डिकोड करते हैं, और आप ये किसी भी उसमें कर सकते हो। लाइक यही नहीं, अगर आपके पास कोई भी अपना स्टॉक है, आप ये देख लीजिए कि महीने में आप कब उसके अंदर एंट्री ले रहे हैं और कहाँ पे है वो, थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ही आपको। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने डाउट्स। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सब लोगों को म्यूट कर दूंगा, और जिसको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेस करेगा और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई बीच में छोड़ के मत जाना। शाम को मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ, तो उसके बारे में डिटेल सबको दूंगा। हालांकि क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ग्रुप में भी मैंने इनवाइट डाला था, क्योंकि थर्सडे को मैं नहीं कर पाया था डाउट सेशन। तो इसमें सभी तरीके के हैं, 10% वाले भी हैं अभी वेबिनार में और नॉर्मल वाले भी हैं। ठीक है जी, ओवर टू यू। जिसको अपना कोई भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हो। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो अच्छा ठीक है। मोहन जी, मैं तो सोचा था आज 8 मिनट में ही हम लोग क्लोज करेंगे। हाँ मोहन जी, आप खुद को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते। सर, ये जैसे आपने भी बताया ये मंथली सीरीज जोन वाला, राइट? अभी ये कैंडल, अगर कैंडल भी अगर हम देखते हैं तो ये ऊपर हैमर बन रहा है, इट मींस जो बुल्स हैं वो पुश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर। तो इसके बेसिस पे ही हम लोगों ने निकाला है कि ये ऊपर टच कर सकता है सीडी जोन के, नीचे भी तो आ सकता था ना ये। हाँ, नीचे भी आ सकता था सर। एंड ऑफ द डे मार्केट है यहाँ पे। मुझे क्या लग रहा है कि जो यहाँ पे बुल्स बैठे हुए हैं ना, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है यहाँ पे, तो वो नीचे नहीं जाने दे रहे। और वो बहुत पैसा कहाँ से आया, वो पैसा आया है इस वाली कैंडल से। ब्लू कैंडल का मतलब होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा बायर्स का डोमिनेटिंग वाला एरिया है। तो इन जहां पे इन लोगों ने वो लगाया है, ये वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वापस से ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे, क्योंकि तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी कैंडल बनी और ब्लू कैंडल बनी है, तो उनके पास तो पैसा है। ब्लू कैंडल बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, ये लोग नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये टूट जाता है ना ऊपर वाला, ये वीक हाई टूट जाता है, जो कि टूट सकता है क्योंकि ये वीक है, तो यहां से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक अच्छी सी और कैंडल अपने को मिल जाए। इस तरीके से हो सकता है कि इसको क्रॉस भी कर जाए, क्योंकि तो अभी काइंड ऑफ इनसाइड हो गया है बैंक निफ्टी फॉर लास्ट 2 डेज। बट ऑल दीज आर आर व्यूज कि हम लोग किस तरीके से हाँ, देख रहे हैं। करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो कोई आगे भी जैसा व्यू यू हैव टू टेक, राइट? तो बिल्कुल। सर, सर मैं पूछूं क्वेश्चंस? हाँ मोहन जी, आप पूछिए। मेरा दरअसल म्यूट था इसलिए। सर गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये सर, ये जो मंथली सीडी जोन वाला है, ये आप बीटीसी यूएसडीटी में खोल सकते हैं क्या? हाँ सर, आपको मुझे वो बताना पड़ेगा, बीटीसी बीटी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, USDT बीटी पी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, पी तीसरे सिर्फ नंबर। ये वाला। हाँ ये वाला। इसमें जैसे आपने वो एक्सप्लेन किया मंथली का उधर, तो इसमें बता सकते हैं क्या कुछ? सर, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इसमें मुझे नहीं पता कि किस तरीके से काम करता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का मेरे को पता है कि वहां पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो सब होते हैं। ये तो चलता भी 24 घंटे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
हाँ 24 आवर्स है ना, और अभी भी शायद चल ही रही है, चल ही तो रहा है यहाँ बिल्कुल। पे किस तरीके से काम करेगा। बट मेरे को ये पता है कि अगर मैं सेम वो इसमें लगाऊं, तो ये इसने अपना टॉप यहाँ पे अगर लगाया था, दैट वाज बहुत 73 शुरू में ही लगा दिया था, है ना, हाँ आप बोलो तो 7 तारीख को ही लगा दिया था, और उसके बाद अब जी नीचे आ गया है, तो नीचे वो मतलब एकदम टच करके नहीं जा रहा, लेकिन जितनी ऊपर जगह थी उतनी नीचे जगह यहाँ से भी गोल्डन जोन से ये शायद वापस जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि क्लोजिंग यहाँ के आसपास इसको मिलनी चाहिए, जो पहली कैंडल है उसके थोड़ा ऊपर नीचे। तो अभी जितने भी 4 5 6 दिन बचे हैं, अगला वीक जो बचा है ट्रेडिंग का, यहाँ पे ये ब्लैक के अंदर एक क्या बोलते हैं वो हो रहा है, कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें भी मुझे एक जी एस जी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये ब्लैक कैंडल के बाद है। ब्लैक कैंडल जो गेट सेट गो है स्ट्रेटेजी, उसके अंदर ब्लैक कैंडल या ब्लू कैंडल बहुत ज्यादा वो होती है, मतलब कि अगर इम्पोर्टेंट जैसे होता है ये बिल्कुल वाली रेड कैंडल के बाद जीएसजी बनी थी, ठीक है, मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि कितने परसेंटेज चांस है इसके, तो मैं बोलूंगा कि रेड कैंडल थी इसलिए मैं बोलूंगा कि इसके अंदर 60% है, लेकिन अगर वही सेम सेटअप मेरा ब्लैक कैंडल के साथ बनता है तो मैं उसमें बोलता हूँ 80% चांस है। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर गेट सेट दोनों ही बन चुके हैं, इसके बाद गो कैंडल का हम लोग वेट कर रहे हैं, और अगर जब ये टूटेगा, इसका हाई जब भी टूटेगा, अगर वो एक ब्लू कैंडल होती है उसके अंदर, तो इसका मतलब कि अगले 3 दिन तक तो उसको ऊपर ही जाना चाहिए, एक पॉजिटिव मोमेंट होना चाहिए उसके अंदर। सही है। और सर ये जो एक गो चार्टिंग पे आप करते हैं तो उसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है गो चार्टिंग का, उसमें जैसे आप समझा रहे थे तो कई बार क्या होता है कि जैसे डेल्टा पॉजिटिव है फिर भी नीचे आता है, मतलब बाइंग सेलिंग दिख रही है कि सेलिंग कम है बाइंग ज्यादा है फिर भी कैंडल नीचे आता है, तो उसका क्या ये है? सर ये तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बार डिस्कस किया है। देखिए होता, चलिए बता देता हूँ, अच्छी बात है, जिसमें से और किसी को नहीं पता तो उनको भी थोड़ा समझ में आएगा। एक सेकेंड है, मैं खोल देता हूँ। अब देखिए ये जो आप बोल रहे हो ना, सेम चीज आरती के अंदर हो रहा है, 5 मिनट के अंदर आप देख रहे हो कि कैंडल तो यहाँ पे वो है, रेड कैंडल है, लेकिन डेल्टा कितना है? डेल्टा पॉजिटिव है। तो इसको हम नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं चोर कैंडल। यहाँ पे होता कैसे है, यहाँ पे होता कैसे है कि आप ये देखिए, मैं इसका देखना चाहता हूँ एक चार्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक ये लगाऊं, यहाँ से बार बार नीचे ऊपर हो रहा है ना, यहाँ पे एक मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है। क्यों लगाया मैंने ये? क्योंकि पहली बार भी भाव यहीं से ही बार बार जाने की कोशिश कर रहे हैं, सब सपोर्ट जो है। ये फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे अंदर घुस गया, फिर बाहर निकला, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अभी ये लास्ट कैंडल का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए यहाँ पे डिमांड जोन तो है, इतना तो अपने को पता लग रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आता है भाव यहाँ से उछल जाता है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करेंगे, ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या होता है, ऑर्डर फ्लो की अगर मैं कैंडल बड़ी बनाऊं, इसके इस साइड में क्या होता है, इस साइड में यहाँ पे एक सेलर्स होता है, और उसके अगेंस्ट में एक पैसिव बायर होता है। पैसिव बायर की प्रेफरेंस फर्स्ट होती है, जो फंक्शन होता है, और सेकंड क्या होता है, सेलर्स को उसके अगेंस्ट में अगर कोई एक्टिव ऑर्डर है, तो एक्टिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी मार्केट ऑर्डर होगा तो वो एक्टिव ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे जब सेल होने की कोशिश हो रही है, जब मान लीजिए इसने 10 लॉट सेल करने की कोशिश, कोई बैठा हुआ है, तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? पैसिव बायर। पैसिव बायर बिल्कुल का मतलब क्या होता है? लिमिट बायर, जिसने लिमिट लॉट यहाँ ऑर्डर जो लगा के रखे हुए हैं लिमिट लगा के रखी होगी, अगर कभी भी सर, लिमिट होगी ये जो तो जीरो वो इधर है राइट साइड में जीरो है तो इसका ये मतलब कि वहां के कहीं पे लिमिट ऑर्डर है। नहीं, मैं वो भी समझाता हूँ आपको, वो भी ठीक है। तो पहले इसको खत्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है, जो सेलिंग आ रही है वो तो हमें यहाँ पे प्रिंट होती हुई दिखाई दे रही है 10 के, राइट। लेकिन जो ये लिमिट ऑर्डर पे जो यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे जो बायर्स बैठा था जिसने ये खरीदा, जब इसने 144 के सेल किया, किसके अगेंस्ट में सेल किया? वो पैसिव बायर थे, उन लोगों ने तो वहां पे 144, जिसने भी बेचा वो तो 144 तो यहाँ पे दिख गया,
लेकिन उसके अगेंस्ट में जिसने बाय किया वो हमें कभी नहीं दिखता, क्योंकि वो पैसिव बाइंग होती है। ओके, तो बिल्कुल हो क्या रहा है, जिस जिसने सेल किया वो सब तो सेल यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा। अभी ये सब सेल जब यहाँ पे प्रिंट हो गया तो अपने को ये पता लग रहा है कि इसकी टोटल बाइंग एक्स वाई जेड थी जितनी भी थी, लेकिन यहाँ पे जो बाय, अभी ये तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे जो बाइंग हो रही है वो इफेक्टिव एक, बायर्स है। हाँ, यहाँ पे बायर्स के अगेंस्ट में कौन है, पैसिव सेलर्स है। तो कभी भी अगर लिमिट बाइंग नीचे की तरफ ज्यादा होगी, आपको हमेशा क्या दिखेगा, कैंडल छोटी रहेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडल छोटी रहेगी, कैंडल का कलर अलग रहेगा। अगर आप डेल्टा देखो, डेल्टा क्या बता रहे, डेल्टा तो ये बता रहे कि इन सबको मैंने गिना तो यहाँ पे 100 आया, और इन सबको मैंने गिना तो यहाँ पे 80 आया। ठीक है, बायर्स 80 है, सेलर्स 10 है, और इसलिए कैंडल कितनी बन गई, 70 बन गई पॉजिटिव में। बट कैंडल क्या है, कैंडल है रेड कैंडल। तो कभी भी इस तरीके का आप सिनेरियो देखते हो ना, इसका मतलब है कि लिमिट बायर्स वहां पे, लिमिट बायर या लिमिट सेलर जिस भी तरफ है, वहां पे एक पूरा वो हो चुका है, क्या बोलते हैं, एक डाइवर्जेंस बोलते हैं हम इसको, डेल्टा डाइवर्जन हो चुका है कि आपका डेल्टा कुछ और बता रहा है लेकिन हो कुछ और है। अभी फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिसको ये नहीं पता, वो इसको क्या देखेगा, वो इसको रेड कैंडल देखेगा। बट मुझे ये पता है कि इस रेड कैंडल के अंदर जितनी बाइंग आई है ना, और ये भी देखिए आप कहाँ तक गया था, अगर आप मिन डेल्टा देखेंगे, मिनिमम डेल्टा -245 तक गया था, क्लोज कहाँ पे हुआ है, +75 में। तो कितनी बड़ी बायर्स की कैंडल है ये। अगर ये दिन बचा हुआ होता, अगर ये दिन बचा हुआ होता और आगे तक जाता है, तो क्या इसके नीचे इतनी बड़ी कैंडल को देख के हो सकता है कुछ नवाइस हमारे ट्रेडर यहाँ पे सेल करना चालू कर देते, राइट। इतनी बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल है, बट इस कैंडल का मतलब ही है कि अब यहां से प्राइस वापस भाग जाएगा। तो इस तरीके की कैंडल हम इसको चोर कैंडल बोलते हैं, और इनफैक्ट इसके ऊपर मेरे मेरे ख्याल से एक या दो वीडियो भी हैं OFA सीरीज में। ये तो एक पूरी स्ट्रेटेजी है सर, कि अगर इस तरीके से आपको कभी भी दिखता है ना, तो इफ यू आर अग्रेसिव बायर, इसके पीछे चले जाओ। इतना बड़ा ऑर्डर लगा है ना, अब ये यहां से नहीं जाने देगा नीचे। जो जीरो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जीरो क्या डिनोट करता है, कि जितने भी ऑर्डर्स थे यहाँ पे वो सब के सब फुलफिल हो गए, लिमिट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर, में जो कुछ लगा। भी नहीं बचा यहाँ पे। मतलब जो बायर्स थे इतने ज्यादा वो हो गए, आप कभी भी यहाँ पे अगर कोई नंबर रह जाएगा ना, उसको अनफिनिश्ड बोलते हैं, अनफिनिश्ड ऑप्शन। अगर कभी भी ऑप्शन आपका फिनिश नहीं होगा, अनफिनिश्ड रह जाएगा, तो उस जगह को हमेशा भरने के लिए बाजार वापस आएगा, क्योंकि वहां पे उसको अपना बिजनेस जो है वो कंप्लीट करना पड़ता तो अगर जीरो है तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है सारा, मतलब है। फिनिश हो ऑर्डर चुका है, फिनिश। कुछ बचा नहीं है, आइडियली इस तरीके से माना जाता है। डजंट मीन कि अब कोई कैंडल इसके नीचे आ नहीं सकता, बट टेक्निकली हमें क्या दिखता है, टेक्निकली हमें ये दिख रहा है कि इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए 54K के पास कलर भी चेंज हो गया उसका, मतलब वहां से डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ये एक जो मैंने नया इंडिकेटर के बारे में बात किया था, वो इसको इम्बैलेंस समझता है, और ये बोलता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा बायर्स हैं कि यू विल सी अ रिवर्सल फ्रॉम दिस, कौन सेम सा चीज साल पे, अगर ऊपर में होता है तो ऊपर से फिर नीचे आएगा। हाँ, ऊपर से फिर नीचे आएगा, यहीं पे कहीं दिखेगा। खैर, ये इतना ज्यादा वो नहीं होता है, मतलब कि पावरफुल नहीं होता कि आप उसके ऊपर वो लो, बट वो कहते हैं ना कि अपने को एक वो तो दिखाई देता है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, ये भी ये कैंडल बनने का चालू हो गया, राइट। इसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी, यहाँ भी मेरे को एक दिखना चाहिए था, वो शायद इसकी वजह से नहीं दिखी। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3.8। OFA का प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा यही लगता है कि वो आप जैसे ही इसका ऑर्डर ब्लॉक चेंज करोगे तो वो हट जाता है, कलर हट जाता है। बट अगर आप इसको एक, मतलब आपको अगर एक उसमें दिखता है, जैसे भैया वहां नाइनटी भी फाइव सेम दिख रहा है, नीचे, वहां जीरो है इस साइड में और इस साइड में। हाँ, बिल्कुल तो जब भी ये देखिए अभी आया है ना, उसमें ये वाला 95 आया, इस कलर से आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से वापस जाने की संभावना है अच्छी। चल हालांकि गया भी अच्छा। मैं इनके ऊपर ट्रेड नहीं लेता, बट मैं इनको देखता जरूर हूँ, क्योंकि कभी भी बॉटम में ऐसा हो रहा है। अब जैसे अगर मुझे पता है कि ये तो एक सपोर्ट का वो है, ठीक है, डिमांड का वो है, तो डिमांड का है तो मैं वेट करूंगा कि भैया जहां भी इस तरीके का होगा, कलर चेंज हो जाएगा, वहां से
आई विल लुक फॉर अ यू नो अपोजिट साइड ऑफ ट्रेन। इसके अंदर डेल्टा बहुत अच्छा है, क्या हो रहा है इसके अंदर? मेरे ख्याल से ये अपना रास्ता बदलने की कोशिश कर रहा है, बहुत टाइम से इस जोन में था, इस जोन में बहुत टाइम से इसने टाइम बिताया, अब ये शायद इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये अनयूजुअल डेल्टा है 4.12। देख रहे हो पिछले कहाँ कब आया था 4.12 डेल्टा, कब आया था? नहीं आया था ना, बहुत टाइम से नहीं आया। 385 के 103 मिलियन यहाँ पे आया था, 103 मिलियन, 4.2 मिलियन, उससे 4 टाइम्स ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भारती एक 1500 या 1550 के पास जाने के लिए। चलिए मजा आ रहा है, तो मैं इसमें एक बार ये भी यहाँ पे देखता हूँ। हाँ, तो मुझे लग रहा है ऐसा मेरा व्यू है, एक बार इसने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, वापस से नीचे आया, शेषनाग जी से परमिशन ले ली, ये मंथ खत्म ही होने वाला है, तो ये अभी ऊपर की तरफ जाने की, क्योंकि जब अगला वो बनेगा, इसका सिटी जोन अगला बनेगा, तो ये वहां पे उसके ऊपर की तरफ जाके टच करेगा। मुझे लग रहा है कि देयर विल बी अ गुड मूव इन भारती। ठीक है सर, एनी मोर ठीक है सर, क्वेश्चंस? थैंक वेलकम। चलिए तो फिर हम वीरा जी के पास जाते हैं। बताइए सर, व्हाट्स योर क्वेश्चन? यू। नमस्कार सर, मैं नमस्कार अरुण। सर। यस सर, यस सर। सर मुझे ये त्रिशूल चक्र के ऊपर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए सर। ये जो चॉपिनेस इंडेक्स का इंडिकेटर जो यूज करते हैं ना, अपर लिमिट 51 और बॉटम लिमिट 50 रख के कर रहा है, बट जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब भी चॉपिनेस 65 70 तक बढ़ता है तो वो बाद में उसको ट्रेंड पकड़ना ही पकड़ना वही हो रहा है। जनरली 65 70 के ऊपर कभी भी नहीं जा रहा है, एज सुन एज इट रीचेस 65, राइट? सर वैसा मतलब वो वैसे एज्यूम करके जा सकता है क्या, वेन एवर इट गोस अप टू 65, मतलब वो सर टाइम फ्रेम में कम से कम वो ट्रेंड पकड़ना ही है। एब्सोल्युटली सर, देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी होती है ना, अभी आप देखिए बाजार कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, राइट? तो मैं ये नहीं कह सकता कि उस वक्त हो सकता है 50 वाज अ गुड नंबर, प्रोबेबली टुडे टुडे 65 इज अ गुड नंबर। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि 61 होना चाहिए या 70 होना चाहिए, अभी आप देखिए कितना सारा चेंज हो गया। आई थिंक व्हेन वी इन्वेंटेड त्रिशूल, जो चॉपिनेस की आप लोग हम लोग बात कर रहे हैं, उस वक्त में 25 का लॉट हुआ करता था। तो एज थिंग्स आर चेंजिंग, जैसे कि धीरे धीरे मार्केट हमारा चेंज हो रहा है, उसी तरीके से धीरे धीरे हमें अपनी स्ट्रेटेजीज को भी अपडेट करना पड़ेगा। मैंने वो चेक नहीं किया है, तो अगर आप मेरे को एक बार मैसेज कर दोगे तो आई विल ऑल्सो चेंज माई सेटिंग्स एंड सी कि इफ दैट वर्क्स वेल और नॉट। क्योंकि मतलब आप बेसिकली जब ये सेटिंग किया था, आपका ये एजम्पशन और बिलीफ ये है कि वहां तक ही जाता है और वहां से गिर रहा है, राइट? वहां से ट्रेंड पकड़ रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल 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 अच्छा, तो मत और ये बेसिकली क्या है कि स्टॉक स्टॉक में भी हर एक स्टॉक, कोई भी दो स्टॉक का चौपीनेस एक जैसे शायद नहीं रह सकता है, राइट? मतलब सर, कैन वी ड्रॉ एक एक त्रिशूल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फॉलो द सेटिंग्स अकॉर्डिंगली। आई एम सॉरी, त्रिशूल इज नॉट फॉर स्टॉक्स, इट इज बेसिकली ओनली फॉर बैंक निफ्टी। अच्छा, स्टॉक्स में यूज नहीं कर सकते क्या? क्योंकि यूज स्टॉक कर में भी चल रहा है सर, यूज कर दैट्स सकते नो। हैं, यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा चलता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई हैव नॉट यूज्ड इट इन स्टॉक्स। जो हम लोग 12 और 26 का यूज करते हैं ना, इसके अंदर जी दिस कॉम्बिनेशन हैज बीन टेस्टेड मेनी टाइम्स ऑन अ वेरी लार्ज डेटाबेस टू फाइंड आउट कि ईएमए 12 और 26 होना चाहिए। अगर मैं भारती की बात करूं, भारती के ऊपर मैं 12-26 लगाऊंगा तो मेरी सक्सेस रेट जो होगी दैट विल बी अराउंड 66%, बिकॉज इट मे हैपन दैट फॉर भारती 15 एंड 36 इट वर्क्स एट 90%। ओके,
ओके, बिकॉज एज यू सेड कि हर स्टॉक का अपना बिहेवियर होता है, हर स्टॉक अपने तरीके से चलता है। बट अगर आप त्रिशूल का यूज किसी भी स्टॉक के ऊपर करते हैं तो 66 जो एक्यूरेसी है वो 12-26 आपको देगा। दिस इज अ क्या बोलते हैं, गोल्डन डिफॉल्ट। अच्छा ओके। अब वो डिफॉल्ट वहां पे 66 एंड 38 है, इसमें डिफॉल्ट सॉरी, सेटिंग्स में 66 एंड 38 है डिफॉल्ट सेटिंग्स नहीं में। नहीं नहीं मैं व्हेन आई से डिफॉल्ट आई मीन इफ अगर आप 12-26 को यूज करोगे किसी भी स्टॉक के ऊपर, इट विल गिव यू ओके एटलीस्ट 66% ऑफ एक्यूरेसी जो मैंने टेस्ट किया था। बट 66 से एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज टू 80, बट उसके लिए आपको क्या है, मान लीजिए भारतीय है, भारतीय के ऊपर मेरे को सेम डेटा रन करना पड़ेगा, है ना, और देन उसके बाद पहले 12-26 पे करूंगा, एक्स नंबर आता है, उसके बाद इस पे करूंगा, वाई आता है, फिर एक तीसरे उस पे करूंगा, जेड आता है। आई हैव नॉट डन दैट टेस्टिंग, बट अगर आप 66% एक्यूरेसी भी इज अ वेरी गुड एक्यूरेसी, इफ यू वांट 66, 12, 26 यू कैन यूज बाय डिफॉल्ट, इट वर्क्स। मैंने देखा है 10 में से 8 बारी तो काम कर ही जाता है, आप किसी भी स्टॉक पे लगा लो, कभी भी और कैसे भी लगा लो। अच्छा, आप ईएमई सेटिंग के बारे में बोल रहे हैं ना सर? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो चॉपिनेस इंडेक्स है जिसका सेटिंग हम लोग अपर लिमिट 51 और 50 रख रहे हैं। जिस तरीके से इसका एक्यूरेसी 66% है, चॉपिनेस इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स जो दो चीजें मैं वहां पे यूज करता हूँ, उनकी वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टॉक विच आई हैव नॉट टेस्टेड। जब मैंने अच्छा, लास्ट टेस्ट किया था इट वॉज 51। ओके, अभी ये क्या चीज है, ये तो कंडीशन बेस्ड होती है ना। उस वक्त क्या था, 25 का लॉट आता था बैंक निफ्टी का, बिकॉज बेसिकली त्रिशूल इज फॉर बैंक निफ्टी, तो 25 का वो आता था, प्लस जो वॉल्यूम्स ट्रेडेड पर डे होता था वो भी अलग होता था। नाउ इफ द बेसिक थिंग्स आर चेंजिंग, ये भी 25 से 15 हो गया, और जो 1 मिलियन या कुछ वॉल्यूम चेंज होता था वो भी चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस ऑल्सो हैज टू बी चेंज, बट टू व्हाट नंबर दैट आई हैव नॉट टेस्टेड। अच्छा सर, वो नंबर अराइव करने के लिए ये थ्रेशोल्ड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार के हम लोग अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं क्या अपने? यस 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 बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप करिए, करके मेरे को बताइए कि हाँ, वही देख रहा हूँ सर। भाई। बट बेसिकली मतलब ऑब्वियसली चॉपिनस इंडिकेटर स्टैंड अलोन यूज नहीं करते। मैं तो आप एडीएक्स सजेस्ट किए थे, राइट? मुझे डीएमए अच्छा लग रहा है, मतलब ऑब्वियसली उसमें डायरेक्शन भी आ रहा है। उसके अलावा सीपीआर और ईएमए भी देख रहा हूँ, बिल्कुल उसके हिसाब से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सक्सेस रेट बेटर है। एब्सोल्युटली सर, मैं वही कहता हूँ कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना, इनफैक्ट 10% ग्रुप में या नॉर्मल ग्रुप में, मैं सिर्फ आई कैन नॉट टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, वो आई गिव यू द फ्रेमवर्क। हाँ त्रिशूल इज अ फ्रेमवर्क, ब्रह्मास्त्र इज अ फ्रेमवर्क, आप उसको कैसे यूज करोगे। जैसे होता है ना सर इंजन, मैं इंजन बनाने वाली कंपनी हूँ, मैं हर बंदे को इंजन दे रहा हूँ, कोई बंदा उस इंजन से मारुति 800 बना रहा है, कोई बंदा उससे स्टीम बना रहा है, कोई उससे जिप्सी बना रहा है, दैट इज अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू यूज इट। हाँ बट वन थिंग सर, ये जो सेटिंग्स है त्रिशूल के सेटिंग्स, सेंसेक्स में मैं टेस्ट किया हूँ और ट्रेड्स भी लिया हूँ सर। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक चॉप ही रहेगा तो इफ यू ट्राई टू गेट इन देन यू कुड एंड अप इन लॉसेस, राइट? जैसे ही वो 51-50 को क्रॉस करके नीचे आ रहा है और ईएमए के नीचे है, देन आई मीन गो फॉर बेरिश ट्रेड और गो फॉर ए बुलिश ट्रेड इफ इट इज अबव ईएमए। वो बहुत बढ़िया चल रहा है सर, खास करके इंडेसिस में। सर मैं तो इनफैक्ट ये बोल रहा हूँ कि चॉपिनेस को तो मैं एक साइड में रख देता हूँ, फिर भी आप एक क्या बोल रहे हैं, एल्गोरिदम एल्गो बना लो और उसमें त्रिशूल के सारे ट्रेड आपको डाल दो, और एक लॉट से बंद कर दो वो अकाउंट, 1 महीने के बाद आप आके देखो आपको उसमें पैसा पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव होने के चांस ही नहीं है। सही हो सकता हूँ। त्रिशूल इज सो क्या कहते हैं, उसमें इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को नई चीज चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए, तो वहां पे लोगों को परेशानी होती है क्योंकि दे डोंट डिसाइड कि भैया इज दिस थिंग्स गुड इनफ। वो कहते हैं ना कि आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी कार हो, साइड वाले की ज्यादा अच्छी लगती है। करेक्ट है। मैं बीवी जान के नहीं बोला क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड ना हो जाए, बट हाँ अपने पास नहीं, जो है
साइड वाले का ज्यादा अच्छा लगता है। तो सच अ सिंपल थिंग, ईएमए, कोई भी बंदा ट्रेडिंग करने आता है सबसे पहली चीज ईएमए सीखता होगा, मूविंग एवरेज सीखता होगा, और वही चीज इतना पैसा बना के दे सकती है, बट वही है कि सबर नहीं है लोगों में थोड़ा सा। करेक्ट है सर। हाँ सिंपल सेटअप रखो और बढ़िया फॉलो करने से बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे। सर अगर मैं त्रिशूल को इस तरीके से एडवर्टाइज करूं और बोलूं कि एक स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा 2,500 रुपये दे दो, लोगों के लिए यही स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बन जाएगी। करेक्ट इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी शायद होंगे इसके अंदर, जो लोग मेरे को बोलते हैं कि सर लॉस हो रहा है या हम नए हैं, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि मार्केट में पहला ट्रेड करना है तो त्रिशूल से करो, 1 महीना त्रिशूल से करो, आपका डीमैट ग्रीन होगा, उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्योंकि डीमैट ग्रीन होगा आपका मानसिक संतुलन अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, देन यू टेक इट फॉरवर्ड। करेक्ट और मैं तो शायद यूज करता हूँ, मुझे पता नहीं अभी भी, इनफैक्ट जितने लोग अभी इस कॉल में हैं आप में से कितने लोग K270 यूज करते हो। K270 इज अगेन अ मार्वलस थिंग, आप उसमें मतलब, बट दैट इज नॉट फॉर इंट्राडे, दैट इज फॉर स्विंग ट्रेडर्स, जो एक बड़ा मूव जो लोग पकड़ते हैं। अमेजिंग सी स्ट्रेटेजी है, 2 EMA के ऊपर ऐसा सेटअप बनाया है कि मैं तो खैर देखता हूँ, मैं तो फिर भी थोड़ा देखता हूँ, बट मुझे नहीं लगता था कोई यूज कर रहा है उसको अभी भी। एक स्टूडेंट ने मेरे को पिंग किया कि सर मेरे को इतना फायदा हुआ है K270 में। दैट पर्सन इज नॉट ज्वाइनिंग एनी ऑफ द क्लासेस, दैट पर्सन इज नॉट ज्वाइनिंग एनी ऑफ द डाउट सेशन, एनी लाइव ट्रेडिंग। आई थिंक आई इंटरेक्टेड विद हिम वे बैक इन जुलाई लास्ट ईयर 2023, जुलाई अगस्त में उसके साथ बात हुआ था। सिर्फ दो ही चीज पे काम करते हैं। इस बार उसको ज्यादा अच्छा हुआ तो मतलब ही केम बैक एंड सेड कि सर ये मैंने किया। तो चीजें बहुत छोटी छोटी है, लोग क्या होते हैं ना कि जैसे डॉक्टर होते हैं ना, मतलब नॉट टू किसी के लिए वो नहीं कर रहा, बट एक ऑपरेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जाता है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर ने पेशेंट के साथ कितना वक्त बिताया। अगर 5-10 मिनट का ऑपरेशन है तो कोई भी सीरियसली नहीं लेता, अगर 12 घंटे डॉक्टर अंदर बैठे, चाहे वहां पे बातचीत चल रही है, चाहे वहां पे ताश चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बट बाहर वाले लोग ये सोचते हैं कि जितना टाइम अंदर बंदा बैठा हुआ है, डॉक्टर अंदर बैठा हुआ है, उतना ही ऑपरेशन वो है मुश्किल है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में लोग काहे को फंसते हैं, इसीलिए तो फंसते हैं कि अगर मैं कह दूं कि इतना इजीली पैसा बनता है, लोग कह अरे झूठ बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो सर वही थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, बाकी इट वर्क्स वेल फॉर एवरीथिंग। राइट सर, थैंक यू। सर ये त्रिशूल 3 मिनट पे ही काम करेगा राइट? यस सर, त्रिशूल मतलब 3 मिनट्स। ओके एक क्वेश्चन है सर इसमें, ये आपने 26 लिया है तो 20 से कितने वर्किंग डे हैं जैसे? तो वर्किंग डे तो कम रहते हैं एक मंथ में जो ट्रेडिंग रहते हैं, तो 26 क्यों लिया उसमें ये में? जस्ट जस्ट अ क्वेश्चन। सर इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि पता होना चाहिए, नहीं पता होता तो भी प्रॉब्लम होती है। 26 और 12 ये दो नंबर्स पे अराइव होने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 महीने लगे थे। ठीक है, क्यों लगे थे? क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ ज्यादा ऑटोमेटिक टूल्स तो थे नहीं, एंड आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि जो भी मैं दो नंबर ये लू, ये ऐसे नंबर होने चाहिए, इट शुड वर्क वेल, और जिसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम होनी चाहिए इन सिंपल वर्ड्स। तो इनके ऊपर मैंने मैनुअल टेस्ट करके देखा है, मैंने 12-27 भी करके देखा है, और मैंने 12-25 भी करके देखा है, मैंने 11-25 भी करके देखा है, और 11-27 भी करके देखा है। बट जो मुझे ओके लगा कि बेस्ट चीज इसके अंदर क्या है, 12-26 के अंदर जो 70 पॉइंट्स है वो आपको 90% ऑफ द टाइम्स मिलते हैं। तो ये एक्यूरेसी जब मैंने ड्राइव की तो मुझे ये लगा कि हमें 12 और 26 को फाइनलाइज करना चाहिए। अब कई बार देखना सर, अगर आपको त्रिशूल के अंदर, त्रिशूल को अगर अगेंस्ट भी जाना होगा ना, 70 पॉइंट आपको देगा, उसके बाद जाएगा। जब तो क्रॉस ओवर होगा राइट। क्रॉस ओवर होने के बाद, अब जैसे क्रॉस ओवर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, कई उदाहरण आप ऐसे देखो कि 70 पॉइंट के ऊपर ऐसे टिप लगाएगा और वापस आ जाएगा।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि 70 पॉइंट इज द फर्स्ट टारगेट, क्योंकि 70 पॉइंट अचीव होने, मतलब मेरे ख्याल से 70 पॉइंट अचीव होने के चांसेस त्रिशूल के अंदर 90 से 95% होते और ये पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस राइट, हैं। नो नो या नो नो, फ्यूचर पॉट के अंदर। दोनों? सॉरी आई डिडंट गेट, ऑप्शन और फ्यूचर बोथ? स्पॉट के अंदर, अगर स्पॉट के अंदर इसने यहाँ पे आपका क्रॉस हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस हुआ है, मैंने इसके ऊपर लाइन डाली, तो स्पॉट पे जब पहली कैंडल इसके ऊपर निकलेगी वो कैंडल मिनिमम 70 पॉइंट जाएगी, ओके स्पॉट में है ओके ठीक है। ऑप्शन में व्हेन कन्वर्ट ये 70 पॉइंट कभी आपका 35 पॉइंट्स भी होगा, कभी 30 पॉइंट्स भी होगा, और कभी 20 पॉइंट भी होगा, क्योंकि वो ऑप्शन डिपेंड करता है अलग। द मनी में कर रहे हो, एट द मनी या राइट राइट राइट, कौन इन सा द वो मनी कर? करेंगे तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। हाँ, 16-20 तो कहीं भी नहीं गए। फ्यूचर सर में बेसिकली यूज कर सकते हैं इसके सर? हाँ 70 पॉइंट, ये R1 या S1 तक तो पक्का जा रहा है सर, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। लिए नहीं, आप उसको एक्सपेंड कीजिए। मैं तो ये भी नहीं कहता 70 पे सारे निकाल लीजिए, मैं तो 70 पे हाफ बुक करता हूँ, बट मैं हाँ क्या बोलता हूँ कि 70 जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं सर, फ्यूचर? सर मैं फ्यूचर ही पे ही करता हूँ, मैं फ्यूचर पे ही त्रिशूल यूज करता हूँ। ओके, अगर आप फ्यूचर का लॉट उठाते हो तो फ्यूचर के चार्ट पे कीजिए, अगर आप ऑप्शन पे करते हो तो स्पॉट का चार्ट यूज कीजिए। तो इसमें ऐसा है सर, अभी हमने ओपन किया मान लो फ्यूचर का राइट, त्रिशूल लगाया ऑलरेडी बन चुका है ओके, देन वी हैव टू टेक एंट्री तो कैसे लेंगे? हाँ सर आपने वीडियो देखे इसके? वीडियो देखे तो है, तो वो बोलता है कि अगर ये वाइड ओवर होगा ऊपर डिफरेंस तो इट मींस वो डायरेक्शन की तरफ जाएगा, जैसे मान लो ऊपर जा रहा है तो जितनी वो दोनों लाइंस वाइड रहेंगी उतना ज्यादा नहीं समझा नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं, ठीक है। ओके। ओहो, इसमें इनबिल्ट है। देखिए, जैसे दिन के पहले उसमें, ये मैं स्पॉट के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसने वो काटा, यहाँ पे फर्स्ट आपका ये मिला है, तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे एक लाइन लगा दूंगा, ओके। यहाँ पे मेरा क्या ट्रेड बनेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करना चाहता हूँ इस जगह पे, कितने पॉइंट का SL हम रखेंगे? 70 पॉइंट। और कितने पॉइंट का T1 रखेंगे? अच्छा, ये एंट्री करेक्ट है या नहीं है? इसने वापस जाके SL ले लिया मेरा, राइट, बट इज दिस एंट्री करेक्ट और नॉट, आप ही लोग बताइए पहले। नो सर कौन बोला? सौरभ सौरभ बताओ क्यों इनकरेक्ट एंट्री सर, है? 9:30 से पहले एंट्री नहीं करते। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो मैं ये वाली एंट्री अवॉइड करूंगा क्योंकि तो ये 9:27 पे जा रही है, लेकिन इसके बाद जब ये दोबारा आएगा तो मैं सेम जगह पर सेम SL के साथ वापस एंट्री लूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स मिले? 70 तो पॉइंट्स हैं मेरे यहाँ पे नंबर 1, बट अगर कोई इसको लेके चलता है तो पूरे दिन आपका SL ही नहीं लगा ना मेरे भाई, आपका यहाँ तक भी 300 पॉइंट भी इसमें मिले लेकिन SL नहीं लगा मेरा, तो वो क्या, मेरे ख्याल से पूरे दिन ही SL नहीं लगा, फिर एक लो बना के दिया इसने। तो इसमें क्या प्रॉब्लम, आपका क्या प्रश्न था, एक बार बताएंगे कौन पूछ रहा था?
यही था सर क्वेश्चन कि अगर हम चार्ट में एंट्री करते हैं और ऑलरेडी मान लो 10:30 11:30 पे जब ऑलरेडी हो चुका है क्रॉसओवर, तो उसमें को यूज करना है तो कैसे यूज करें? नहीं, अब देखिए इसकी मैं बात करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे उस वक्त क्या भाव में देख रहा हूँ, 51,656, तो मुझे कौन सा कॉल यहाँ पे लेना चाहिए, आप ही बताइए आपके हिसाब से पुट कौन सा पुट लेना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा हूँ ना, कौन सा पुट लेना चाहिए? 15,650, 600 के आसपास का, 51। मैं यहाँ पे लूंगा 650 है, तो मैं 600 का वो लूंगा, हाँ राइट, 600 पे। है ना? तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 51,600 का पुट, ये वाला होगा, राइट? हाँ, 26 जून। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कहाँ पे एंट्री बनती थी, 9:30 के बाद। सेम डे है क्या? 21,942 के आसपास, क्या मैं सही देख रहा हूँ पुट तो? अच्छा हाँ, पुट ऊपर जानी चाहिए ना, सही बात है। तो इसके आसपास है यहाँ पे एंट्री, मान लीजिए मैंने ये ऊपर गया, यहाँ पे एंट्री बनती है 9:36 पे, 9:36 पे एंट्री बनती है। तो 9:36 पे क्या है भाव यहाँ पे, मतलब इस कैंडल के अंदर आपकी एंट्री बनेगी, ये 9:40 पे स्टार्ट हुई है कैंडल, ये 9:36 है, तो आपको 3:28 के आसपास कहीं पे एंट्री मिली है इसके अंदर, ओके। और इसके हिसाब से आपको कब निकल जाना चाहिए, 70 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 70 पॉइंट, तो इसमें चलो 139 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से नीचे आया है, मतलब अगली कैंडल में ही 9:42 की कैंडल में आपका वो हो गया, 9:42 की कैंडल यहाँ पे कहीं पे, तो मतलब आपको करीबन करीबन इसमें भी 70-80-100 पॉइंट के ऊपर तो मिल ही गए। 311 पे अगर मैंने राइट, एंट्री ली है, ठीक है, यहाँ पे मेरी 342 पे एंट्री बनी है, और 300-400 के आसपास कहीं पे मैं निकल गया, अगर आप इस तरीके से देखे तो, टीवन से देखे तो। बाकी आपकी मर्जी थी, ये तो गया तो 560 तक भी था, जिसको जितने में निकलना है या जिसको जितने का बनता है आप उसमें निकल सकते हो। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी 337 एग्जैक्टली, और यहाँ पे इसके अंदर आपकी 393, मतलब कि 50-60 पॉइंट, इसमें 70 पॉइंट, तो इसमें 50 के आसपास आपको मिल गए, 40-50 के आसपास, तो ये गुड इनफ। आखिर मेरा क्वेश्चन ये है कि बाय चांस उस दिन मैं लॉग इन करता हूँ 11:30 बजे, जाते ही त्रिशूल लगाता हूँ बैंक निफ्टी का, और जैसे आपने कैंडल मार्क कर दी 9:39:40 वाली, तो मुझे ये कैंडल का ये मार्क करना है, एंड देन फ्रॉम हियर आई हैव टू सी कि आगे अगर मेरे को एंट्री लेनी है 12 बजे 1 बजे जब भी एंट्री लेनी है बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट कैंडल, राइट, इसका क्लोजिंग के नीचे रहा अगर प्राइस घूम रहा है तो यहीं पे कहीं पे कैसे एंट्री लूंगा, हाउ डू आई डिसाइड दैट? नहीं, दिस इज वन टाइम यूसेज ना सर, एक बार जब क्रॉस बना उसने आपको आपका वो दे दिया, क्या बोलते हैं उसको, आपका टारगेट दे दिया, तो वो एंट्री खत्म है ना, वी विल वेट फॉर नेक्स्ट एंट्री। इस एंट्री के ऊपर आप 11:30 बजे 12 बजे नहीं ले सकते। अब देखिए हाँ जैसे फिर यहाँ, नेक्स्ट क्रॉस ऑन पे। हाँ ओके नेक्स्ट वेट करूंगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक दिशा में गया, अगली एंट्री कब बन रही राइट है, के ऊपर बन रही है, 13:48 पे एंट्री बन रही है आपकी, वो भी लॉन्ग के लिए बन रही है, अब यहाँ पे लॉन्ग लेंगे, यहाँ क्रॉस बना। ओके ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन, राइट, गॉट इट, थैंक यू। नो वरी सर। चलिए सौरभ जी का प्रश्न ले लेते हैं। सर आप K270 का बता रहे थे,
सर तो मैं पूछना चाह रहा था कि सर कैश ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में भी उसको यूज कर सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म जैसा बोल रहे हो K270 जब लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं तो? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। उसमें मैं देखता हूँ कम से कम बैंक निफ्टी को मैं यूज करता हूँ उसको, तो मैं कम से कम उसमें देखता हूँ 700-800 पॉइंट। ओके सर, तो और अगर हम शेयर्स में अगर उसको देखते हैं तो कैसे देखना फिर? सेम चीज, सेम वे यू कैन यूज इट। ओके लाइक आई यूज 44 का दम जो आपने बनाया है. हाँ तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें। बट सर प्रॉब्लम यह है कि ये 5 मिनट के अंदर काम करता है, और जो मेरा वो है अपना त्रिशूल है, वो 3 मिनट में काम करता है। नहीं सर, 44 का दम और K270 ये दोनों कंपेयर करता था. हाँ मैं वही। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें भी सेम है। जो अगर इसमें आप देखोगे, हम लोग जो 44 का दम है वो यूज करते हैं इन वन डे। वन डे इसमें क्या होता है, जैसे अभी अभी आप यहाँ पे देखिए, इसमें क्रॉस, अब ये K270 हो गया, राइट। K270 का मतलब है ये वाला कैंडल जहां पे इसने क्रॉस किया है, ये वाला कैंडल। ओके ओके मैं क्या करूंगा, ये तो अभी लाइव में मैंने भी इनफेक्ट इसमें लिया था, आपको बताया भी था, ग्रुप में भी डाला था इसका। हाँ यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे एंट्री बन रही है, मतलब कि इनफैक्ट मुझे याद है वो फ्यूचर में था क्या वो मेरा लेवल, बट ये मैंने आपको लाइव जब हमारा हुआ था लाइव में भी बताया था कि ये एंट्री पॉइंट है इसका। ओके 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 ये पूरा दिन अगर आप देखो, इस दिन इसने क्रॉस दिया बट इस दिन इसने एंट्री नहीं दी क्योंकि मेरा टॉप पे था। इस दिन ये डे का फर्स्ट वो था तो ऊपर से नीचे गिर गया, मतलब फिर भी वापस से एंट्री नहीं मिली। लेकिन जब भाव यहां से वापस गया, ये यहां से गया, तभी मेरे को पता था कि यहां से अभी एक अच्छा जाएगा क्योंकि ये इसके ऊपर निकल चुका है। तो जैसे ही इसके ऊपर निकला तो आप देखिए कितने सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, राइट 104 से लेके 51,000 तक, मेरे ख्याल से 500-600 के 1,000 पॉइंट अभी आ गए, 51,100, और अभी तक भी इसने काटा नहीं है। यहाँ पे आके इसके नीचे, पहले जैसे इसके नीचे क्लोज देगा आपको निकल जाना। ओके मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, जब तक ये पॉजिटिव उसमें चल रहा है। और कई बार क्या होता है कि ज्यादातर तो ये अच्छे आपको मूव्स देते ही देते हैं। जैसे यहाँ पे एक अच्छा मूव मिला होगा अपने को, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एक बार ऊपर गया अब, और जब ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये यूनिवर्सल हो जाएगा। अगर एक बार इसने यहाँ पे एसएल दिया, और इसमें क्या है, ओके आपको इसमें आपको क्या करना है कि जब भी इसके ऊपर जाएगा तभी भी आपको एंट्री लेनी है। तो एक बार ऊपर गया, हो सकता है ये ज्यादा पॉइंट नहीं दिए इसने यहाँ पे, फिर वापस आ गया। और रूल क्या बोलता है सीधा सा, कि अगर इसके नीचे आएगा तो आप निकल जाओ, जो बाइंग प्राइस है वही आपका एसएल हो जाता है। राइट ठीक है, इसके बाद यहाँ भी नहीं निकला, यहाँ पे नहीं निकला, यहाँ निकला, जब निकला तो यहाँ से भी एक अच्छा पॉइंट दिया इसके नीचे बिना क्लोज किए। ओके सर, थैंक यू. थैंक यू। न्यू सर क्या बोल रहे हैं, लाइव मार्केट पर 1350 होने के बाद क्रॉस दिखती है। सर कभी भी क्रॉस कभी भी दिखता है, इनफैक्ट लास्ट डे आज का जो क्रॉस होगा वो कल वो भी वैलिड होता है। तो आप चाहो तो उसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, उसके अंदर त्रिशूल के अंदर। ये तो इतना अच्छा काम करता है, बट वही है कि मुझे थोड़ा सा वो क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं इसको लो, ये है वो है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? अभी वो सारे लोग कहाँ गए जो वहां पे, कौन था, एक निक था, और कौन से वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं क्या ये सारी कॉल्स? 10% में देवर डिस्कसिंग अबाउट दो स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे ना, याद है हाँ किसी सर, को? पेनफिन कैंपेन के बारे में. और दूसरा एक था, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं क्या ये सारी कॉल्स हमारी? क्या बात है, मॉर्निंग में शायद आप अभी पब्लिक संदीप ग्रुप में डाला था कि नए मेंबर्स के लिए V1 और V4 के लिए रहेगा, तो फिर उसके हिसाब से शायद ज्वाइन नहीं किया होगा हमने।
नहीं, इस कॉल के लिए नहीं डाला, वो डाला है आज शाम को मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ उसके लिए बोला था मैंने कि वो कॉल जिसके पास ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, वो बेशक ना करे, रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होगी, इसके लिए थोड़ी डाला है। इसमें तो मैंने वो बोला था, शायद निक को बोला था, किसको बोला था कि हम लोग लाइव में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, आपका मैसेज है कि मतलब कल बात करते हैं इस पे वेबिनार पे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मेरा क्या जा रहा है, 10% में हो तो दे माइट हैव ऑलरेडी पेड फॉर द सेशन, दे आर नॉट ज्वाइनिंग इट्स देयर विश। अभी मैंने उतना क्या बोलते हैं वो होना छोड़ दिया है। चलिए अरुणमान नहीं, बताइए। आपने एक सेशन, सॉरी, एक सेशन के स्टार्टिंग में बताया था सीडी जोन का, मंथली वाला, तो उसमें जो अगर वीकली सिलेक्ट करते हैं तो हमको डेली डेली का बताएगा, डेली का सिटी जोन बताएगा। नहीं, डेली सेलेक्ट करोगे तो डेली का बताएगा, वीकली करोगे वीकली का बताएगा, मंथली करोगे मंथली का बताएगा, मंथली का बताएगा, ठीक है। तो तीनों उसके अवेलेबल। बेसिक बेसिकली उसका सप्लाई डिमांड जोन टाइप काम करता है वो। अगर हाँ मैं डेली डालूँगा तो ऊपर सप्लाई नीचे डिमांड जोन काइंड सर, ऑफ डेली दिखाएगा डेली मुझे। में तो उसके बिना मैं काम ही नहीं कर सकता, सीडी जोन तो इतना जरूरी चीज है लाइफ का। हाँ राइट राइट, वो तो हाँ मतलब कम से कम मेरे लिए अगर मेरे पास त्रिशूल नहीं है और मेरे पास सिटी जोन नहीं है तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। अभी आपने एक बार बताया था बीच में, कोई याद है, सीडी जोन अगर वाइड हो राइट हाँ तो थोड़ा उस समय थोड़ा सा वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस राइट। हाँ नॉर्मली वो जितना लाइंस पास में ही होती है, पास में होती है तो काफी टाइम वो बहुत अच्छा काम करता है, बट अगर लाइंस वाइड हो तो कई बार ऊपर वाली लाइन टूट जाती है सीडी जोन की और प्राइस नीचे आ जाता है। सर, हर क्या बोलते हैं, जैस जो जो हो सकता है वो सिनेरियो हमने सीडी जोन का जो वीडियो उसमें डाले हुए हैं, अगर वो तोड़ देगा उसको हमें किस तरीके से बिहेव करना है सीडी जोन पे, वो हमने वहां डाला हुआ है। अगर तोड़ देगा तो क्या करना है और कब तोड़ेगा तो क्या करना है वो भी डाला हुआ है। ठीक है, देख लो। ये ट्रेडिंग है ना सर, हम लोग भी इसी उस पे, ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर अपना एक व्यू बनाता है, कई बार वो व्यू सही हो जाते हैं, कई बार वो व्यू सही नहीं होता, तो जब सही हो जाते हैं हम खुश हो जाते हैं, पैसे बन जाते हैं। बनाए थे ना पैसे, किसके ऊपर बनाए थे उस दिन, ऊर्जा में, हर रोज ही सुबह पैसे बनते हैं। क्या होता है, हम एक व्यू बनाते हैं कि ठीक है, लास्ट फ्राइडे में किसको लूटा था, कौन से स्टॉक को लूटा था, याद है किसी को? परसिस्टेंट, परसिस्टेंट परसिस्टेंट को लूटा था हमने, क्यों? मतलब 2 लाख रुपए, मैंने खैर एक ही लॉट लिया था, 2 लाख रुपए का हमने बाय कर दिया क्योंकि हमारा व्यू था कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा और अच्छा ऊपर जाएगा। हमारा व्यू सही हो गया, मतलब दुनिया भर का, दुनिया भर कह रहा हूँ, अच्छा खासा पैसा हमारे डीमेट में ऐड हो गया। कई बार क्या होता है, हमारा व्यू गलत भी हो जाता है, हम ऊपर की तरफ देखते हैं वो नीचे की तरफ आ जाता है, उस दिन हमारे डीमेट से पैसा भी लेके चला जाता है। बट हमारा व्यू होना चाहिए, क्या व्यू, व्यू चेंज होना चाहिए। प्रॉब्लम वहां पे होती है जब लोग अपना व्यू लेके उसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं कि ये तो हो गई नहीं। अरे अगर आपका व्यू गलत हो गया तो ये आपकी हार नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। तो सीडी जोन अमेजिंग चीज है, मतलब सीरियसली मुझे एक R3 और सीडी जोन दो फंडे ऐसे लगते हैं कि इसके आप इसके ऊपर ही काम करो तो दुनिया भर का इसमें सक्सेस है। थोड़ा सा, हाँ मैम बताइए। सर बैंक निफ्टी का कल लास्ट वीक का वो देख रही थी, डाउट क्लियरिंग सेशन सर, उसमें आपने जोन बनाया है और बोला कि जैसे ही उधर पे विक मारा मैं एंटर हो गया सर, फिर आपने एसएल कितना रखा सर वो थोड़ा बताएंगे सर? मैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि कौन ट्यूसडे का चार्ट खोलिए सर, सा। हाँ ऐसे लास्ट बताओगे, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्यूसडे का? ओके यस मैम, ये ट्यूसडे का है। सर, उधर अंगद का पांव पर ही आपका जोन था, आपने बोला हाँ इधर पे जब विक मारा तब इमीडिएटली मैंने ले लिया, आई हाँ डिडंट वेट फॉर द कैंडल सर। फिर आपने एसएल कितना रखा और एंटर कहाँ पे हुए सर? मैम, यहाँ पे मैंने लिया था बिकॉज ऑफ सम रीजन। ये सर उसने आपने बताया था उधर पे एक जीएसजी है, जीएसजी है असली, आपने
वो जोन बनाई थी, हाँ एंड दैट ओके वाज कोइंसाइडिंग विद अंगद का फॉर्म। हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा फिर अभी आप मुझे, ये है क्या ट्यूसडे? हाँ ये ट्यूसडे है ओके। ये देखिए यहाँ पे, अगर आप इस कैंडल को देखो तो मुझे पता था कि यहाँ से वापस जाएगा। मुझे क्या पता था, आप सबको ही पता था कि यहाँ से वापस जाएगा, ठीक है। अभी ये डालने के बाद जब मैं 5 मिनट पे आता हूँ, ट्यूसडे 13 जून, 13 जून लास्ट वीक मतलब 18 जून सर। मैम ये वाला तो यहाँ पे इसने काम किया था, इसके लिए कुछ और होगा। ये या तो मैं, हाँ यही पे बताया था सर अपने। हाँ आप ये देखिए ना कि ये इसका यहाँ पे बना हुआ है ना, कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अंगद का पाँव था यहाँ पे, और यहाँ पे अंगद के पाँव से रिजेक्ट हो रहा है। इट इज नॉट दैट इजी ट्रेड। यहाँ पे ये ट्रेड मैंने कभी किसी को दिया भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके के ट्रेड मैं कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं करता। यहाँ नो पे सर, क्या है, आपने शेयर नहीं किया है, लेकिन आपने बोला है कि मैंने इधर पे लिया था और ऐसे लगा कि मैं वेट कर रहा था करके। हाँ दैट मे बी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि कभी भी एग्जैक्ट मेरे को, या तो मैं अपना वो देखूंगा उसमें देख के बताऊंगा, लेकिन ये ऑलरेडी पॉसिबल, ये तो ऑलरेडी था ना, ये क्या बोलते हैं, ये अंगद का पाँव तो यहाँ पे ऑलरेडी था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अंगद के पाँव से रिजेक्ट होके ऊपर जाएगा। तो हालांकि मुझे जो दिख रहा है, और इसमें आपका पंबन जोन भी होगा यहाँ पे, ये सर, इवन दो पंबन जोन था, मैंने लिया, आपने ऐसे कुछ बोला हाँ था। तो ये तो देखिए ना, एक बार पंबन जोन रिजेक्ट किया, सी इट इज ऑल अबाउट दिस पोर्शन, दिस पोर्शन। अगर आप इस पोर्शन को समझोगे ना, ये जो विक्स है, और विक कभी भी कोई भी रेफरेंस पॉइंट पे बनती है ना, उसका होने का मतलब ही ये होता है कि इट इज अ रिजेक्शन, ओके। और कभी भी कोई रिजेक्शन अगर किसी रेफरेंस पे आता है तो डबल आर हो जाता है। ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है, आर आर आर, तो वो क्या बोलते हैं, मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है, बट रिजेक्शन ऑन रेफरेंस कभी भी ऐसा आता है। मैं तो हमेशा ये वाले ट्रेड लेता हूँ, रवि सर हमेशा ये वाले ट्रेड लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि थोड़ा सा अगर नुकसान हुआ तो भी अपने को चलता है, मेरा रिस्क एपेटाइट उतना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ के आसपास मैंने लिया होगा कहीं पे, क्योंकि हाँ सर, फिर पहले एसएल क्या लगाया होगा आपने? मैम इनिशियली मैं कोई एसएल नहीं लगाता हूँ। इनिशियली ये जो कैंडल होगी इसके लो का एसएल होगा जो मैं मान के चलूंगा। जब यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है ना कई बार, अच्छा एक इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, सर ये है वैसे ही ऊर्जा का ट्रेड भी देख रही थी, आपने कब एसएल लगाया वो दिखाई ही नहीं, लेकिन बाद में दिखा तो नीचे एसएल भी लगा हुआ था। कब ऊर्जा का ट्रेड, कल लास्ट फ्राइडे को नो सर, आपने वीडियो डाला है सर, वो वीडियो देख रही थी उसमें। मैं वो ऊर्जा पे तो जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूं ना, उसके 5 मिनट बाद ही, 5 मिनट कह रहा हूँ, 1 मिनट बाद ही लगा देता, सर क्योंकि वो मतलब वहां पे आपको पता ही है कि वो इतना ज्यादा वैसा वाला होता है वहां पे, कि पहले जैसे ही आपने लिया, सबसे पहले आप क्या देखते हो कि इससे नीचे तो मैं जाते हुए देखता ही नहीं हूँ उसको, अपना स्क्रिप्ट को। तो सबसे पहला काम जो करता हूँ, बाय बटन पे क्लिक किया, कैलकुलेट किया, और उसके बाद सीधा जाके वहां पे लगा दिया मैंने ऐसे, क्योंकि अगर आपकी दिशा में नहीं गया और आपके पास फ्यूचर है, और फ्यूचर में भी इतने बड़े बड़े वो है, लॉट है, तो आप सोचिए कि कहाँ आपको ले जाएगा। ये मेरा वो रहता है हमेशा, सबसे पहले ही मैं वो लगा देता हूँ।
यहाँ पे मैंने और क्या देखा होगा ना मैम, कि यहाँ पे ये बेशक इतनी बड़ी कैंडल थी, बट देर इज नो प्रॉपर सेलिंग इन दिस। बैंक निफ्टी में हम कितनी देखते हैं, एक नेगेटिव सेंटिमेंट को जानने के लिए 40 के, राइट, 40 के, यस सर, और अभी विद 30 के तक को भी मैं एक अच्छी सेलिंग मान लेता हूँ, क्योंकि अभी लॉट चेंज हो गया है। आप यहाँ से देखोगे, यह हमारा पंबन जोन है, पंबन जोन के ऊपर आया, पहली बार जब नीचे जाता है ना तो दूसरी कैंडल इसके नीचे ही बननी चाहिए, लेकिन नहीं बन रही। इस कैंडल के अंदर भी कितना है, 17K का डेल्टा, इसके अंदर भी कितना है, 17K का डेल्टा। ये तो इनफैक्ट पहले आधे घंटे के अंदर हो रहा है, तो मेरा मेरा तो ये अजम्पशन है कि जो लोग यहाँ पे बाय करके गए होंगे वही लोग अपनी पोजिशन को स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए कोई बड़ा डेल्टा है ही नहीं। इस कैंडल के अंदर आप ये देखिए, पम्बन जोन के नीचे भी वो कैंडल जा रही है, रिजेक्शन आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे को, रिजेक्शन आ रहा है, बट व्हाट इज द डेल्टा, नाम मात्र के लिए। और ये भी अगर आप देखो कि मैक्स मिनिमम डेल्टा कितना था, मिनिमम भी -10 था, तो लोग यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार ही नहीं है। और कभी भी आप, एक और चीज मैंने शायद ऊर्जा में भी बताई है, कि कभी भी कोई भी स्टॉक इस तरीके से बिहेव करता है कि वो पम्बन जोन पे ऐसा बनाता है, तो मतलब कि वो तो ऊपर ही जाएगा, उसको नीचे जाने का वो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ लोगों को नीचे परेशान करने के लिए आया था, लोगों को नीचे गिराने के लिए आया था। और तीसरी चीज, इनिशियल तो शायद मैंने यहाँ पे लगाया होगा, एसएल यहाँ पे लगाया होगा, बट आप इन तीन चीजों को देखो तो ये क्या है, ये सर जी एच जी सर डॉक्टर जीएसजी वेयर, ऑन द अंगद का पाव एंड पंबन जोन। इससे अच्छा क्या स्ट्रक्चर हो सकता है आपको एक लॉन्ग में जाने के लिए। राइट मैम, ओके सर, ओके यस सर, थैंक यू मैं, सर। नो वरीज, मैं क्या बोलूंगा ना, कि कई बार आपको डर लगता होगा, मुझे भी डर लगता था इस तरीके से लेने में, बट आप कभी भी ना, अगर अब तो खैर मेरे ख्याल से ट्रेडिंग व्यू अलाउ नहीं करता, हमारा क्या बोलते हैं इसको, सर पेपर ट्रेड अलाउ नहीं करता पर है। ट्रेड अलाउ नहीं करता, बट अगर हो सके तो आप लिख के रखिए इसको, कि मैं, आप डर लगता है, आपने बाय नहीं किया, नो प्रॉब्लम, लिख के रखिए कि मैं अगर यहाँ पे बाय करती तो क्या होता। ओके सर, चलिए ठीक है मैम। ये सर, अगर आपके पास माइक है न्यू वन तो आप पूछ ही लीजिए ना, इतना सारा मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी। शेषनाग के पास जब प्राइस आती है तब ट्रेड कैसे ले। सर वेट कीजिए, इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, या इतने सारे वीडियो बने, आप पिछला कुछ भी देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। जैसे बैरिश से अपसाइड जाती है, सर सिंपल सी चीज है, खैर ये मैं वो एक पूरा मैंने वीडियो बनाया है कि शेषनाग जी पे क्या क्या ट्रेड मिलते हैं और किस तरीके से ट्रेड मिलते हैं, बट एक सिंपल सी बात है, देखिए ये ऊपर गया और नीचे यहाँ पे इस कैंडल की बॉडी 60% से ज्यादा, कभी भी अगर शेषनाग की बॉडी क्रॉस करती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, 60% से ज्यादा है, उसके नीचे लाइन लगा लीजिए, उसके नीचे आप एक शॉर्ट लीजिए, और ये आपका एसएल रहेगा। सेम वे अगर यहाँ पे, तो खैर ये परफेक्ट नहीं है, ये वाला परफेक्ट है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कैंडल ऊपर आई शेषनाग जी के, और ये कैंडल कितनी ऊपर है, 60% के ऊपर है, तो इसके ऊपर यहाँ एक लाइन लगा लीजिए, यहाँ पे आपको एक लॉन्ग लेना है, और ये आपका एसएल रहेगा। ट्रेड वही लीजिएगा जहां पे आप वो एसएल ले सके, जैसे इस केस में 200 पॉइंट का एसएल है, अगर आप 200 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकते तो ये ट्रेड छोड़ दीजिए, ठीक है सर। बाकी आप एक बार माइक अपना ऑन करके प्रश्न पूछ लीजिए, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा। सर आपने सीडी जोन वाला इंडिकेटर लगाया है, वो B4 में इनबिल्ट है या अलग से लगाना होता है। सर अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है तो आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप लिखोगे सीडी, ये वाले हैं सीडी अंडरस्कोर एवरेज डेली रेंज हाईज एंड लोज, अगर आप चाहो तो इसको, अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है आप इसको यहाँ से लगा सकते हो, बट जो डिफरेंस है वो इतना है कि जो हमने ब्रह्मास्त्र में इंटीग्रेट किया है उसमें हम लोगों ने वीकली और मंथली सीडी जोन्स भी डाल रखा है, जो कि आपको ये फ्री वाले में नहीं मिलता। चलिए कोई और प्रश्न है किसी का, या क्लोज करें आज के लिए। अच्छा एक और इंफॉर्मेशन जो मैं आप सबको देना चाह रहा था, कि आज शाम को मैंने
ब्रह्मास्त्र का एक वेबिनार रखा है। वेबिनार का मतलब क्या होता है कि वहां पे आई एम इनवाइटिंग पब्लिक टू कम एंड चेक हाउ माई वेबिनार वर्क, सो दैट इफ दे लाइक दे कैन ज्वाइन आर ग्रुप। ओके, तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही है कि किस तरीके से काम करते हैं, तो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। बट एक और जो इन्फॉर्मेशन है कि जो ब्रह्मास्त्र है उसका प्राइस मैं कल से बढ़ा रहा हूँ। तो आज जो भी हम लोगों के एग्जिस्टिंग प्राइस है, ओके, वो आज अगर किसी को लेना है तो यू कैन सेव सम, ज्यादा तो खैर इतना भी बढ़ाया नहीं है, 1000 रुपये मुश्किल से भी नहीं है। तो बट इफ यू वॉन्ट टू यूटिलाइज यू कैन वो ज्वाइन होके, या आपको ज्वाइन होने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी सेम प्राइस में ले सकते हो। तो आगे से जो प्राइस रहेगा वो मैंने शायद इस पे डाला भी था, एक सेकेंड। ये सिर्फ उनके लिए है क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट 2 वीक में मैंने करीबन 50 लोगों को एक्सेस दिया है V4 का फॉर टेस्टिंग। तो अगर उनमें से कोई लेना चाहते हैं तो ये उसके लिए। सो दिस विल बी न्यू प्राइसिंग, 4000 अभी 3K है इसका दोनों को प्लस करके, और 10% का 1499, अभी तक ये 999 है। तो अगर कोई हमारे ग्रुप में से लेना चाहता है तो प्लीज कंप्लीट इट टुडे, क्योंकि कल से, और ये प्राइस कल से इफेक्ट हो जाएगा। आज का जो प्राइस रहेगा जो मैं वेबिनार में भी देने वाला हूँ विद सेम यही रहेगा जो हम लोगों का अभी चल रहा है। हाँ सर, इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, मेरे ख्याल से कल तक मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। बट जो लोग वाकई में सीखना चाहते हैं, आप लोगों के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ग्रुप पे ऑलरेडी, आप उसको कंज्यूम कीजिए। मेरे से प्रश्न करना बहुत ईजी है, मैं आपको प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा। बट अगर आप उसी चीज को आप देखोगे, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे डाउट पूछे, बाकी लोगों ने इतने डाउट पूछे लास्ट वीक में, मेरे ख्याल से मनोज सर थे, कौन थे आप, मंजीत जी थे, और कोई बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स पूछे थे। अगर आपको वो चीज बाय हैंड पता हो, देखो इंसान को डाउट कब आता है, अगर मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे डाउट आता है, राइट, और मैं वो पूछता हूँ। बट अगर एक आप ग्रुप में बैठे हुए हो जिसमें 4 लोग अपने डाउट पूछ रहे हैं, तो उसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो भैया ऐसा है कि आपके लिए तो पढ़ मैं नहीं सकता, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करोगे आप ही के लिए अच्छे। चलिए ठीक है सर, इफ नो मोर क्वेश्चन शैल वी क्लोज इट फॉर द डे। बम बम बोले, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।